हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आपके साथ हिस्ट्री और कल्चर के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने इसकी टाइमलाइन ली है वो है जून 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक की। ये पूरी सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अपना आज का लेसन शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी की और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और आपको गाइडेंस भी देते हैं। तो अगर इस बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पर कॉल करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है पेट्टा थुलाल के बारे में। क्या है ये? ये एक डांस है। अब ये डांस कैसा है? ये एक सेक्रेट डांस है, यानी एक पवित्र नृत्य है। अब इस नृत्य के पीछे की कहानी क्या है? बेसिकली इस नृत्य को हम लोग इसीलिए करते हैं जब हम सेलिब्रेट करते हैं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई है। अब ये पूरी चीज़ आपको समझ में आएगी इसके पीछे की कहानी से। देखिए, एक समय हुआ क्या, जब समुद्र मंथन का समय था तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। उस समय मोहिनी रूप देख के उनका भगवान शिव सौंदर्य से मुग्ध हो गए। इसी के फलस्वरूप हुआ ये कि भगवान शिव और मोहिनी का एक पुत्र हुआ। पुत्र का नाम रखा गया भगवान अयप्पा। तो आप ध्यान रखें, जो अयप्पा भगवान है वो विष्णु भगवान के मोहिनी रूप और भगवान शिव के पुत्र हैं। अब हुआ ये कि दोनों भगवानों ने जाके इनको पंपा नदी के तट पे छोड़ दिया। वहाँ से इनको एक राजा ने अपने पास रखा और 12 वर्षों तक इनका पालन पोषण किया। राजा जो था उसका नाम क्या था? राजा राजशेखरा। अब एक बार की बात है, ये अपने माँ के लिए, यानी माँ की इनकी तबीयत खराब थी, उनके इलाज के लिए शेरनी का दूध लाने घने जंगलों में गए। तब उनका सामना हुआ एक राक्षसी से। राक्षसी का नाम था महिषी। दोनों में युद्ध हुआ और भगवान अयप्पा ने राक्षसी का वध कर दिया। तो इसी वजह से हम लोग ये पवित्र डांस करते हैं। और इसमें क्या हम लोग इंडिकेट करते हैं? हम लोग ये दिखाते हैं कि अच्छाई का, यानी कि जो भगवान अयप्पा है वो अच्छाई का प्रतीक है, अच्छाई का बुराई के ऊपर, जो कि इस राक्षसी से हम लोग डिनोट करते हैं, उस अच्छाई का बुराई के ऊपर जो वर्चस्व स्थापित हुआ है, जो जीत हुई है, उसी जीत के जश्न में हम लोग ये वाला डांस करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि न्यूज़ में क्यों है। देखिए, इस वाले डांस में जनरली क्या होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर कलर लगाते हैं, कलर फेंकते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे होंगे। लेकिन अभी केरला के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक स्टडी की। स्टडी में पाया ये गया है कि ये जो कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। हैवी मेटल्स यानी कि आप समझिए कैडमियम या फिर मर्क्यूरी। और क्योंकि ये हैवी मेटल्स का इस्तेमाल होता है, तो ये अलग अलग तरीक़ों से प्रकृति के लिए और मनुष्य के लिए हानिकारक साबित होते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो ये अलग अलग तरीके के स्किन ट्रबल्स कॉज करते हैं, चरम रोग कॉज करते हैं। उसके अलावा अगर ये मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये सॉइल को भी पल्यूट करते हैं। उसके अलावा अगर ये कलर्स मान लीजिए धुल के पानी के साथ बह गए, तो पानी के साथ बह के इनकेस अगर ये किसी भी तरीके से ग्राउंड वाटर में पहुंच गए, तो ये वाटर साइकिल में आ जाते हैं। और उसके बाद ये संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ये किसी न किसी रूप में मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाएं। और अगर एक बार ऐसे हैवी मेटल्स हमारे शरीर में प्रवेश कर गए, तो ये अलग अलग तरीके की बीमारियां कॉज करते हैं। इनफैक्ट एग्जांपल के तौर पे जो ये हैवी मेटल्स हैं, ये कैंसर कॉज करते हैं और उसके अलावा बहुत सारी फेटल डिजीज़ ये कॉज करते हैं। तो ये जो स्टडी है, इसके आधार पे ये पाया गया है कि हैजार्डस मेटल्स जो है ये यहाँ पे मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कैडमियम। ये अलग अलग समस्याएं कॉज करते हैं, स्किन की, सॉइल को पल्यूट करते हैं। और साथ साथ अगर ये वाटर बॉडीज़ में मिल गए, तो उससे होगा क्या, ये किसी न किसी रूप में ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इस हानिकारक प्रवृत्ति को देखते हुए ये कलर्स को बैन करने का यहाँ पे आदेश दिया गया है। और साथ साथ लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि भाई हम लोग प्लानिंग करेंगे कैसे इनके बजाय हम लोग ऑर्गेनिक वेराइटीज़ को प्रमोट कर पाएँ, यानी कैसे जैविक किस्मों को हम लोग प्रमोट कर पाएँ, जिसके तहत ये जो डांस है, जिस धूमधाम से इसको मनाया जाता है, वो सब बरकरार रखी जा सके। फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग एक ओंकार के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? अभी इसी वर्ष हम लोगों ने जो सिख धर्म के संस्थापक हैं श्री गुरु नानक देव जी, उनकी 550th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। तो इसी को कमेमोरेट करते हुए एयर इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, अपने एक बोइंग 787 एयरक्राफ्ट की टेल पे
एक ओंकार का रिलीजियस सिंबल बनाया है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके का सिंबल बनाया गया है, और इससे एयर इंडिया ने इस पर्टिकुलर अवसर पर अपना भी समर्थन दिखाया है। ये जो फ्लाइट है ये 31 अक्टूबर को अमृतसर से यूनाइटेड किंगडम्स की तरफ टेक ऑफ की थी। तो ये है पूरी न्यूज़ की बात। अब हम लोग इस सिंबल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एक ओंकार की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान एक है, सबके मालिक एक हैं, गॉड इज़ वन। ये जो एक ओंकार है ये सिख रिलीजन का एक एम्बलम है, और गुरुद्वारा में आपको ये देखने को मिलेंगे। ये पहल अनूठी क्यों है? क्योंकि आज तक किसी भी नेशनल कैरियर ने इस तरीके का कोई भी समर्थन नहीं दिखाया है जब अपने किसी हिस्से पे कोई रिलीजियस सिंबल चित्रित किया हो। तो इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आप पढ़ लें। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे छठ पूजा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पुलिस द्वारा अभी एक फ़िलहाल में अनूठी पहल शुरू की गई है। उसमें क्या हुआ, बिहार के समस्तीपुर ज़िले में पुलिसकर्मियों ने छुट्टी लेने के लिए एक एप्लीकेशन लिखी, यानी इस तरीके की एक लीव एप्लीकेशन लिखी, और उसी लीव एप्लीकेशन का एक पार्ट रखा गया जहाँ पे ऑनेस्टी के बारे में प्लेज ली गई, यानी एक शपथ पत्र था जहाँ पे कहा गया कि हम लोग ईमानदार रहेंगे। तो इस लीव एप्लीकेशन का ये हिस्सा बना। इसी वजह से ये जो छठ पूजा है ये अभी न्यूज़ में आई है, क्योंकि ये जो लीव एप्लीकेशन थी ये बेसिकली छठ पूजा परफॉर्म करने के लिए लिखी गई थी 400 जूनियर पुलिसमैन द्वारा। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये छठ पूजा के बारे में हम लोग एक बार देख लें क्या है। सबसे पहले तो ये एक हिंदू फेस्टिवल है। किसको डेडिकेट किया जाता है ये फेस्टिवल? तो ये भगवान सूर्य को डेडिकेट किया जाता है, और उनकी धर्मपत्नी उषा को डेडिकेट किया जाता है। हम लोग उनको धन्यवाद करते हैं और उनके आशीर्वाद की मांग करते हैं कि वो धरती पे जीवन की खुशियाँ बरसाएं और सभी को सुखी रखें। तो आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये त्यौहार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। अब इसका जो नाम है छठ पर्व, तो छठ मतलब छठा यानी सिक्स्थ। तो ये जो पर्व है ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठे दिन को मनाया जाता है। यहाँ पे होता क्या है, लोग स्नान करते हैं नदी में जाके, यहाँ पे लोग व्रत रखते हैं, काफ़ी लंबे समय तक लोग जल में खड़े रहकर भगवान सूर्य को धन्यवाद करते हैं और उनसे आशीर्वाद की मांग करते हैं। जनरली ये त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मिथिला प्रोविंस जो कि नेपाल में है, उसके अलावा तराई, मंदेश जो कि नेपाल में है फिर से, और भारत की बात करें तो बिहार में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र पूरे भारत में ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, वैदिक काल से चला आ रहा है ये पर्व, और एकमात्र ऐसा पर्व है ये, और अब ये बिहार की संस्कृति में समा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एक केस के बारे में। अभी फ़िलहाल में हुआ क्या है, भारत ने हैदराबाद निज़ाम केस जो कि पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ा जा रहा था यूके के कोर्ट में, उसमें जीत हासिल कर ली है, यानी भारत की उसमें जीत हुई है। तो इस फतह, इस विक्ट्री के बाद जो वहाँ की अदालत है यानी यूके की जो अदालत है उसने भारत के खाते में करीब 325 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र कर दी है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये केस क्या था। देखिए, जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था और जब उसका अंतिम क्षण थे, यानी जब वो ब्रिटिश छोड़ के जा रहे थे, भारत को आज़ादी मिल रही थी, उसके बाद भी भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी पूरे देश को यूनाइट करना, क्योंकि उस समय बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो भारत की यूनिटी को भंग कर सकते थे। अब यहाँ पे सरदार पटेल को सारा जिम्मा दिया गया कि भाई आप भारत की यूनिटी के प्रति कार्य करें और कोशिश करें कि जो प्रिंसली स्टेट हैं उनको भारत में मिलाया जा सके। तो सरदार पटेल ने अलग अलग तरीक़ों से कोशिश कर करके धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल किया। हालांकि कई जगह पर काफ़ी दिक्कतें हुई, कई स्टेट्स तो आराम से मान गई, कई प्रिंसली स्टेट्स के सामने हमको पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, आर्मी एक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ा, वहाँ पे सरेंडर करवाना पड़ा, क्योंकि जो राजा थे वो जनमत के हिसाब से नहीं चलना चाहते थे, वो सेपरेट रहना चाहते थे या फिर वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, पर वहाँ की जो जनता है वो भारत का हिस्सा बनना चाहती थी। अब अगर हम लोग हैदराबाद का केस लें दोस्तों, तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हैदराबाद ने करीब 1 साल 1 महीने 2 दिन तक भारत को ज्वाइन नहीं किया, यानी भारत में शामिल नहीं हुई, और वो इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट की तरह रूल करती रही। तो बेसिकली ये जो चलता रहा चीज़, ये था 16 सितंबर 1948 तक,
यानी 16 सितंबर 1948 तक हैदराबाद ने अपनी मनमानी की, उसने भारत को ज्वाइन नहीं किया और वो अपने पास ही पावर एक्यूमुलेट करना चाहता था। लेकिन फिर जब स्थिति हाथ से निकल गई तो भारत ने हैदराबाद को अपने अंदर शामिल करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। कब शुरू किया गया ये? 17 सितंबर 1948, यानी 16 सितंबर वो आखिरी तारीख थी जब हैदराबाद अपनी मनमानी कर रहा था। उसी को देखते हुए 17 सितंबर को हमने ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर दिया। और इसी के तहत हुआ क्या, हमने अपनी पुलिस फोर्सेस भेजी हैदराबाद में, बहुत सारी आर्म्ड फोर्सेस भेजी हैदराबाद में, जिसके तहत हैदराबाद के निज़ाम को भारत की पुलिस फोर्सेस के आगे सरेंडर करना पड़ गया। तो इस सरेंडर के बाद सितंबर 1948 में हैदराबाद जो है उसको भारत में शामिल कर लिया गया। अब यहाँ तक तो स्टोरी बड़ी अच्छी है, लेकिन वो समय जब हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होना चाह रहा था और एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट की तरह रूल करना चाह रहा था, उस समय कई इस तरीके के स्टेप्स लिए गए हैदराबाद द्वारा, जिसकी वजह से ये आज के समय देखने को मिलता है। तो यानी कि आज़ादी के बाद से 16 सितंबर 1948 के बीच में हुआ क्या, करीब 1 मिलियन का अमाउंट पाकिस्तान हाई कमिश्नर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया हैदराबाद की स्टेट द्वारा। अब इसके अलग अलग कारण माने जाते हैं। सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि उस समय उनको लग रहा था कि आने वाले समय में हो सकता है हमें पाकिस्तान की ज़रूरत पड़े, उसकी हेल्प की ज़रूरत पड़े, इस वजह से उसके पास हम पहले ही अपनी तरफ से कुछ राशि भेज देते हैं। उसके अलावा उनको ये भी डर था कि अगर कल को भारत हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये पैसे निकलवा लेगा तो हमारे पैसों का क्या होगा। तो इस वजह से भी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के अकाउंट में वो सारे पैसे भेज दिए गए। और यहाँ पे आपको एक चीज़ जान के आश्चर्य होगी कि ये सारी चीज़ें जो की गई थी ये निज़ाम से परमिशन लिए बगैर की गई थी उनके फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। यानी हैदराबाद का अपना सेपरेट फाइनेंस मिनिस्टर था जो फाइनेंसिस को देखते थे। उन्होंने ये जो राशि है ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के खाते में भेज दी बिना निज़ाम से बात करे। तो ये जो अमाउंट है करीब 1 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड्स, ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी राशि थी, जो कि अब कहाँ पे है, अब यहाँ पे वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के खाते में पड़ी हुई है। तो अब ये पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब उसके बाद हम आते हैं 17 सितंबर 1948 में, जब ये ऑपरेशन पोलो हमने लागू किया, उसके बाद जो हैदराबाद की आर्मी है, जो हैदराबाद की फोर्सेज है, उसने सरेंडर कर दिया। फाइनली हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। तो अब निज़ाम ने कहा कि भाई जो पैसा पाकिस्तान सरकार के पास ट्रांसफ़र किया गया है वो मेरी अप्रूवल के बिना किया गया है, और निज़ाम ने कहा कि भाई वो पैसा वापस उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात पे ऑब्जेक्शंस जताए और कहा कि भाई इस तरीके के हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। तो जब पाकिस्तान ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर दिया तो हैदराबाद के जो निज़ाम हैं उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट में ये मांग रखी कि उनका पैसा वापस उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। तो बेसिकली जिस भी बैंक में ये पैसा रखा हुआ था उस वाले खाते को सीज़ कर लिया गया, और बैंक ने कहा कि इस पैसे का आपको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता। तो ये जो केस था ये उस समय से लेकर अभी तक चलता रहा, यानी 1954 से ये 2019 तक केस चला, और अंत में इसका निर्णय ये आया कि भाई जो भी पैसा है ये भारत का है, ये भारत को वापस दे दिया जाए। और इस पैसे की जो अभी वैल्यू है वो करीब 300 करोड़ से ऊपर है। तो इस यूनाइटेड किंगडम के हाई कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान को भारत को वापस वो पैसा लौटाना पड़ेगा। यहाँ पे पाकिस्तान ने भी अपने अलग अलग तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। उन्होंने कहा कि भाई पैसा इसलिए ट्रांसफ़र किया गया था क्योंकि हैदराबाद को डर था कि भारत उस पर कब्ज़ा कर लेगा और कब्ज़े के समय पाकिस्तान उसकी मदद करने आ सके, इसी वजह से शुरू में ही पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके अलावा अगर कभी फ्यूचर में हमको हथियारों की ज़रूरत होगी तो उसकी सप्लाई पाकिस्तान हम तक पहुंचा सके, इस वजह से भी पाकिस्तान को ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया। ये सब पाकिस्तान के आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं। लेकिन फाइनली पाकिस्तान ये केस हार चुका है, अब वो पैसा पाकिस्तान को भारत के खाते में ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। तो इसी के तहत ये जो पैसा है ये भारत सरकार को मिलेगा, और हैदराबाद के निज़ाम के जो भी डिसेंडेंट्स हैं उनकी जो भी पुश्तें चली आ रही हैं उन दोनों ही पार्टीज़ में ये पैसा विभाजित होगा। तो ये पूरा केस था जो कि अब भारत के हित में आ चुका है, यानी फैसला जो है वो हमारे हित में सुनाया गया है। और ये जो पैसा है अब ये सरकार के पास थोड़ा सा और जनरली जो निज़ाम के डिसेंडेंट्स हैं उनकी जो पुश्तें हैं उनके पास जाएगा। अब हम थोड़ा प्रिंसली स्टेट्स के बारे में देख लेते हैं। करीब 560 प्रिंसली स्टेट्स भारत में आके मिल गई इंडिपेंडेंस के समय, यानी स्वतंत्रता के समय, पर कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने मना कर दिया और इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया, जैसे कि जूनागढ़, जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि कश्मीर। बाद में इन तीनों स्टेट्स को भी भारत का अहम हिस्सा बना लिया गया। कई जगह प्लेबिसाइड का इस्तेमाल किया गया, कई जगह मिलिट्री एक्शंस का इस्तेमाल किया गया, और कश्मीर में जैसे कि आपको मालूम है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था राजा हरी के साथ,
जिसके तहत कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। जो इंडिया की एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं, ये अभी तक सिर्फ 3 ही बार चेंज हुई हैं। पहली बार जबकि गोवा को सब्ज्यूम कर दिया गया था भारत के यूनियन में 1961 में, दूसरी बार जब पौंडीचेरी को 1962 में भारत में मिला लिया गया था, और तीसरी बार जब सिक्किम का निर्माण हुआ था 1975 में। तो अभी तक ऐसा 3 बार ही हुआ है कि भारत की एक्सटर्नल बाउंड्रीज में चेंज आया हो। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के हिसाब से, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली टॉपिक की तरफ। यहाँ पे एक स्टडी के बारे में बात की गई है। स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, जो आज के युग के मानव हैं, वो बेसिकली बोत्सवाना से इमर्ज हुए। बोत्सवाना कहाँ है? ये अफ्रीका के सदर्न पोर्शन यानी कि दक्षिणी भाग में पड़ता है। तो ये आप देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग अफ्रीका के नक्शे में इसको दर्शाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे नीचे तो साउथ अफ्रीका पड़ता है, साउथ अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर इस जगह पे बोत्सवाना पड़ता है। और इसी स्टडी ने बताया है कि ये जो मॉडर्न ह्यूमंस का जन्म है वो बेसिकली करीब 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। साइंटिस्ट ने स्टडी कैसे की है? यहाँ पे साइंटिस्ट ने डीएनए सैंपल्स को एनालाइज किया है करीब 200 खोएसन लोगों की, और फाइनली उस डीएनए सैंपल को स्टडी करने के बाद ही साइंटिस्ट एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। अब बात है ये खोएसन पीपल कौन है? ये माना जाता है कि अफ्रीका में ही निवास करते हैं, वो भी सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में, और कहा जाता है ये लोग वहीं पे रहते हैं जहाँ पे इनके एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज रहा करते थे। हालांकि ये बात बहुत समय से मानी जाती थी कि जो मॉडर्न ह्यूमंस है यानी होमो सेपियंस है, ये अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत या पुख्ता स्टडी नहीं मिली थी। पर इसके बाद से ये बात साबित हो गई है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस का ओरिजिनेशन है वो अफ्रीका के सदर्न पार्ट से हुआ है, बेसिकली बात करें तो बोत्सवाना से हुआ है। और कहाँ पे? दावा जाम्वेजी रिवर के दक्षिणी क्षेत्र में ये लोग रहा करते थे उस समय, वहीं से ओरिजिनेट हुए हैं। और समय की बात करें तो करीब 2 लाख वर्ष पूर्व आज से ये लोग ओरिजिनेट हुए थे। तो अब ये स्टडी के आधार पर हम लोग श्योरली बात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले यहाँ पर टॉपिक की ओर। ये एक फेस्टिवल के बारे में है। फेस्टिवल का नाम है चवांगकुट। सबसे पहले कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में इस पर्टिकुलर महोत्सव को मनाया जाता है। ये एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी आपने अभी अभी फसल काटी है, फसल काटने के बाद आप इस वाले फेस्टिवल को मनाते हैं। अलग अलग काफ़ी सारी कम्युनिटीज इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि कुकी, चिन, मिजो, तो ये सब जो है नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटीज़ हैं, और ये इस फेस्टिवल को बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाती हैं। साथ साथ ये जो फेस्टिवल है ये एंग्लो और कुकी युद्ध की शताब्दी वर्ष का प्रतीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो ये फेस्टिवल है इसके नाम में ही कहीं ना कहीं इसका मतलब छुपा होता है। इसके नाम को आप 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो सबसे पहले तो छवांग है, छवांग का मतलब होता है ऑटम सीजन, और कुट मतलब होता है हार्वेस्ट यानी कि काटना फसल को। तो इसी वजह से ऑटम के आसपास फसल की कटाई को दर्शाने के लिए ये जो है फेस्टिवल मनाया जाता है। अलग अलग समुदाय इसमें भाग लेते हैं, जैसे कि हमने बात की कुकी, चिन और मिजो, जो कि सबके सब उत्तर पूर्वी राज्यों के समुदाय हैं। कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष यानी कि देखिए सबसे पहले तो ये एनुअल फेस्टिवल है, हर एक वर्ष इसको मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पे? मणिपुर में, मिजोरम में, असम में तथा देश के अन्य हिस्सों में, वहाँ पे हम लोग इस फेस्टिवल के तहत गुड हार्वेस्ट सीजन के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भाई भगवान आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद से आज इतनी अच्छी फसल हुई है, आप आगे भी इस तरीके का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। तो इसीलिए कब होता है? जब फसल को काटा जाता है तब भगवान को यहाँ पे धन्यवाद दिया जाता है। हर साल ये 1 नवंबर को मनाया जाता है, और जनरली ये जो रीच है इसकी वो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज तक सीमित है, यानी मणिपुर तक, मिजोरम तक और आसाम तक ही सीमित है। यहाँ पे मणिपुर में स्टेट हॉलीडे भी डिक्लेयर किया जाता है। मिजोरम में अभी ये नया फेस्टिवल है, इसको अभी 3री बार मनाया जा रहा है। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, पारंपरिक संगीत बजाए जाते हैं, लोगों को भोजन कराया जाता है, और इसी तरीके से ये जो त्यौहार है ये बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है 2-3 चीज़ें। सबसे पहले ये त्यौहार कैसा है? पोस्ट हार्वेस्ट है, यानी अभी अभी आपने फसल काटी है, भगवान को आप धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे पास अच्छी फसल हुई थी, और आप आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह की कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। उसके अलावा कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हम बात करें तो मेनली मणिपुर, मिजोरम, आसाम में होता है। हार्वेस्टिंग सीजन का प्रतीक है चवांग कुट को जब आप तोड़ के देखेंगे तो चवांग मतलब होता है ऑटम का सीजन और कुट मतलब होता है हार्वेस्ट, यानी फसल की कटाई के बाद हम लोग भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल की बात की गई है जो है नोमैड फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पे मनाया गया? ये दिल्ली में मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसका जो मोटो है या फिर जो आदर्श वाक्य है वो क्या रहा है, चैलेंजिंग द स्टिग्मा चेंजिंग द नरेटिव, यानी जो बहुत समय से सोच जो रूढ़िवादी सोच चली आ रही है उसको हमको चैलेंज करना है, और जो बहुत समय से एक स्ट्रक्चर चला आ रहा है जो कि ऑर्थोडॉक्सिकल है उसको हमें चेंज करना है। ये जो फिल्म फेस्टिवल है यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे फिल्म का प्रदर्शन किया जाता है, और किसके ऊपर होंगी ये सारी फिल्म, जो भी नोमैड्स होंगे यानी कि भारत में अधिसूचित और घुमंतू जनजाति जो हैं, या फिर हम बात करें डी नोटिफाइड या फिर नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उन्हीं के ऊपर ये सब फिल्म्स होती हैं, उन सब फिल्म्स का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। बेसिक आइडिया क्या है, इन लोगों को जीवन में बहुत संघर्ष झेलने पड़ते हैं, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो इनकी वही सारी स्ट्रगल की जर्नी लोगों के सामने ला के रख दी जाए, यही इज बेसिकली फिल्म फेस्टिवल का मेन मकसद। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो दिल्ली में ये किया गया है। अब हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में या फिर विमुक्त जनजातियों के बारे में। हुआ क्या था, देखिए जब ब्रिटिश एरा चल रहा था यानी कि जब ब्रिटिश की हुकूमत चल रही थी भारत पे, तो ब्रिटिश चाहते थे कि जो फॉरेस्ट एरिया है, जो भी वन से संबंधित एरिया है, वो सब अंडर ब्रिटिश कंट्रोल ही रहे, क्योंकि अगर फॉरेस्ट उनके कंट्रोल में रहेगा तो आप ये देखिए कितनी सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में रह सकती हैं। फॉरेस्ट से आप वुड यानी कि लकड़ी का पूरा व्यापार चला सकते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के फल फूल आदि होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके की औषधियाँ होती हैं, तो इस सब से ब्रिटिश सोच रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हैं, यानी बहुत सारा इससे हम धन कमा सकते हैं, इसीलिए ब्रिटिश सोच रहे थे, अंग्रेज सोच रहे थे कि ये जो फॉरेस्ट है ये कम्प्लीटली हमारे ही कंट्रोल में रहे। लेकिन वहीं पे रहती थी फॉरेस्ट में रहने वाली जनजातियाँ, ऐसी बहुत सारी जनजातियाँ थी जो वन में निवास किया करती थी, उनको लगता था कि जो फॉरेस्ट है ये उनका है, उनका अधिकार है फॉरेस्ट के ऊपर, और फॉरेस्ट में जितना भी चीज़ें उग रही हैं, क्योंकि उनको लगता है ये उनका पर्यावरण है, ये जगह उनकी है, वो बहुत समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तो हर एक चीज़ का अधिकार उनके पास है। अब इसी दौरान वाद विवाद होने लगा ब्रिटिश के साथ, उनके काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होने लगे, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होने लगीं, उसमें ब्रिटिश चाहते थे कि उनको एक अपर हैंड मिले, तो उसी के तहत एक एक्ट यहाँ पे आया जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, और इसी एक्ट के तहत कई सारी जनजातियों को डी नोटिफाई या फिर नोमैडिक ट्राइब्स के तौर पे घोषित कर दिया गया। डी नोटिफाइड ट्राइब्स का क्या मतलब है, इसका मतलब था इनडायरेक्टली कि ये सारी क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। अब हुआ क्या, देखिए इस ट्राइब में जो भी लोग मौजूद थे यानी कि उन सभी लोगों को क्रिमिनल के तौर पर रिकग्नाइज कर लिया गया, ये सब के सब क्रिमिनल्स हैं, तो अगर जहाँ पे ये रहते हैं उस क्षेत्र के आसपास कोई भी क्रिमिनल एक्ट हुआ या कोई भी इस तरीके की चीज़ हुई जिसने ब्रिटिश के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया, तो तुरंत ब्रिटिश जाके इन ट्राइब्स के जो लोग थे उनको पकड़ लिया करते थे और इनके खिलाफ बहुत सारी एट्रोसिटीज़ किया करते थे, इनको दबाया जाता था, मारा पीटा जाता था और इनके साथ ढेरों अत्याचार किए जाते थे। तो बेसिकली हुआ ये कि उस समय अंग्रेज़ों ने तो इनको क्रिमिनल टाइप के तौर पर घोषित कर दिया, लेकिन फिर भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार को लगा कि भाई ये तो इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनको ज़बरदस्ती क्रिमिनल कैटेगरी में लिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ इनके लिए करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने एक यहाँ पे समिति का गठन किया था 1950-51 के आसपास, और उसी समिति की रिकमेंडेशन यानी सिफारिश पे इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को रिपील कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, और ये जो ट्राइब्स है इनको इस क्रिमिनल के दायरे से बाहर निकाल दिया गया, विमुक्त कर दिया गया, और उसी के बाद से इनको कहा गया डी नोटिफाइड ट्राइब्स या फिर विमुक्त जनजातियाँ। पहले यहाँ पे इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था अंडर द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे CTA ऑफ 1871 में इन सभी ट्राइब्स को नोटिफाई किया गया, क्या कि ये सब क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। सरकार ने जब देखा 1952 के आसपास कि ये तो ठीक नहीं है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो इस नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया गया, और उसके बाद से इनका नाम डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से मशहूर हुआ, यानी उनको उस एक्ट से निकाला गया है, उस एक्ट से डी नोटिफाई किया गया है जो ब्रिटिश द्वारा उनको नोटिफाई किया गया था। अब ये तो बात ठीक है, आपने सभी ट्राइब्स को डी नोटिफाई कर दिया, अब उनमें से कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन एक्चुअली में भी कुछ ऐसी ट्राइब्स थी जो सोसाइटी के अगेंस्ट, लोगों के अगेंस्ट अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कैरी आउट किया करती थी, तो उसी के तहत जो भारत सरकार है उसने 1959 में एक दूसरा एक्ट यहाँ पे शुरू किया, एक दूसरा अधिनियम वो लाए जिसको कहा गया हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, और वो जो ट्राइब्स थी जो
कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करती थी उनको क्रिमिनल रिकग्नाइज किया गया अब इस एक्ट के अंदर। यानी अब जो ये 1871 वाला एक्ट है ये तो पूरी तरह हट चुका है, उसमें जो ट्राइब्स को नोटिफाई किया गया था क्रिमिनल के तौर पे उनको डीनोटिफाई कर दिया, पर फिर भी कोई ऐसी ट्राइब बची जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो एक नया एक्ट लाया गया, उस एक्ट के तहत उन सभी ट्राइब्स को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। तो हमने एक बार बैकग्राउंड समझ लिया, लेकिन आज की क्या स्थिति है? देखिए, आज भी जो ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लोग हैं या फिर ये जो HOA के तहत लोग कैटेगराइज किया जाते हैं, इनके साथ बहुत सारी अलग अलग ज्यादती की जाती है। जनरली होता ये है कि ये सारी ट्राइब्स किसी तरीके का रेजिडेंशियल प्रूफ कैरी नहीं करती, जिस वजह से इनको ज़्यादातर जो सरकारी स्कीम्स हैं उन सब से बाहर रखा जाता है। उसके अलावा ये जो भी इश्यूज़ फेस करते थे इसको लगातार कहीं ना कहीं समिति पढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही एक समिति का हम लोग यहाँ पे वर्णन करेंगे जो 2003 में गठित की गई थी और नाम था उसका द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ये बालकृष्ण रेणके के नेतृत्व में बनाई गई थी, यानी कि ये इसके चेयरमैन थे। जो यहाँ पे सिफारिश दी गई, जो रिकमेंडेशन दी गई, उन रिकमेंडेशन ने कहीं कहीं एक और दूसरी कमीशन के रिपोर्ट में भी हिस्सा बनने का कार्य किया है। और जो दूसरी कमीशन है उसका नाम है इदाते कमीशन। फिर उसके बाद ये जो इदाते कमीशन थी ये वर्ष 2015 में गठित की गई और ये भी इसी बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ की गई कि ये जो ट्राइब्स हैं ये अभी भी बहुत समस्याओं से गुजर रही हैं, इनका अभी भी हैरेसमेंट होता है, मोलेस्टेशन होता है, तो क्या किया जा सकता है इनके सुधार के लिए। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए यहाँ पे दो कमेटी का गठन हुआ है। हमने दोनों कमेटी के बारे में पढ़ लिया, एक है बालकृष्ण रेणके कमेटी, एक है इदाते कमीशन। तो अगर एग्जाम में आपसे ये दो कमेटी का नाम देके पूछा जाए ये किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखें डीनोटिफाइड ट्राइब्स को जो जो समस्याएं हो रही हैं, जो उनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, उन सब से कैसे निपटा जाए, क्या उनके लिए बेस्ट मेजर्स हम ला सकते हैं, इस सब से ये दोनों कमीशन डील करती हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। ये है ब्रू रिफ्यूजी या फिर ब्रू जनजाति के बारे में। जो ये ब्रू रिफ्यूजीज हैं ये बेसिकली नदर्न पार्ट ऑफ त्रिपुरा में रहते हैं। काफ़ी समय से ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी न्यूज़ में ये है कि इन्होंने अपनी इनडेफिनेट प्रोटेस्ट को, अपने रोड ब्लॉकेट को अभी ख़त्म कर दिया है, जब त्रिपुरा की राज्य सरकार ने अनाउंस किया है कि वो उनके रिलीफ कैंप में आने वाले राशन को नहीं रोकेंगे। तो देखिए, ब्रू या फिर रियांग ट्राइब, दोनों इसके नाम हैं, ये कौन सी ट्राइब है? ये बेसिकली एक इंडिजिनस ट्राइब है, यानी ये जो समुदाय है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही पाया जाता है। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो त्रिपुरा में आप इसको देख पाएंगे, मिजोरम में और आसाम में देख पाएंगे। त्रिपुरा में ये लोग PVTG के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड है, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो दोस्तों अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो क्या हो रहा है, ये देखिए, ये वाला जो है पूंछ ये मिजोरम है, दूसरी वाली पूंछ ये त्रिपुरा है। तो हो क्या रहा था, मिजोरम में ये लोग रह रहे थे, फिर उसके बाद मिजोरम में बहुत ज़बरदस्त वायलेंस हुई, हिंसा भड़की, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी ये ब्रूज रह रहे थे इनको ज़बरदस्ती अपनी जान बचाने के लिए त्रिपुरा में भागना पड़ा। तब से ये करीब 1997 की बात है, तब से ये लोग त्रिपुरा में ही कैंप बना के रह रहे हैं। तो अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो मिजोरम में ये लोग मामित, कोलासिब और लुंगली डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे, पर वही वायलेंस हुआ जिसकी वजह से ये दूसरे वाले यहाँ पे पूछ में आ गए, यानी त्रिपुरा में आ गए। यहाँ पे ये लोग रिलीफ कैंप बना के रह रहे थे। हालांकि कहा यह जाता है कि जो मिजोरम है वहाँ पे मीजोज और ब्रू के बीच में काफ़ी ज़्यादा हिंसक फाइट्स चलती रहीं, जिसके तहत ब्रू की मिलिटेंसी में मीजो के एक फॉरेस्ट अफेयर को मार दिया गया, जो कि कहाँ पे, डंपा टाइगर रिजर्व में मारा गया था। उसके बाद से ब्रू के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला होने लगा, जिसके तहत जो ब्रू जनजाति है वो मिजोरम से भाग के त्रिपुरा में आ गई। यानी मिजोरम में वो शुरू से ही टारगेटेड ग्रुप रहे हैं, उनके ऊपर शुरू से टारगेट रहा है और शुरू से उनके ऊपर हिंसा की जा रही है। और साथ साथ जो मिजोरम के लोग हैं वो ब्रूज को अपने इंडिजिनस पॉपुलेशन में या इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज़ में नहीं गिनते। उसके बाद से लगातार कोशिश की जा रही है कि इन ब्रूज को वापस मिजोरम में रीसेटल कर दिया जाए। कुछ ब्रूज जो हैं वो मिजोरम में वापस चले गए, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द ब्रूज नॉर्थ ऑफ त्रिपुरा में रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। अब आती है वर्ष 2018 की बात। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सेंटर ने और सेंटर के साथ साथ दो स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि त्रिपुरा की सरकार और मिजोरम की सरकार ने साथ मिलकर एक एग्रीमेंट तक पहुंचने की कोशिश की। वहां पे एग्रीमेंट के तहत ये कोशिश की गई कि उनको वापस से
मिजोरम में भेज दिया जाए और वहां पे उनके सेटलमेंट की सारी व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन जो ब्रू के ज़्यादातर कैंप रेजिडेंट थे, यानी कि जो वहाँ के निवासी थे जो कैंप में रह रहे थे, उन्होंने एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई एग्रीमेंट में कहीं ये नहीं लिखा कि हमको सेफ्टी मिलेगी मिजोरम पे रहने में। मान लेते हैं आपने हम लोगों को सबको मिजोरम भेज दिया, लेकिन क्या पता कल को वापस से हिंसा बढ़ के और ये लोग हमको फिर से मारने काटने लगे। तो कहाँ पे लिखा है कि हमको सेफ्टी दी जाएगी जब हम मिजोरम में रहेंगे? तो इसके तहत ये एग्रीमेंट रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ये मुद्दा और ज़्यादा एस्केलेट हुआ और ज़्यादा बढ़ा। तो अक्टूबर 2019 में ऐसा हुआ कि जो इनके रिलीफ कैंप में राशन जा रहा था वो सब राशन की सप्लाई रोक दी गई होम मिनिस्ट्री के इंस्ट्रक्शन पे, जिसके तहत ये सोचा गया कि जब इनके पास खाना पानी नहीं आएगा तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और ये लोग सरकार के साथ एग्री कर जाएंगे और इनको मिजोरम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या, राशन पानी ना आने की वजह से ऐसा आरोप लगाया गया कि करीब 6 लोग तो फॉर श्योर भुखमरी का शिकार हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और उसके बाद ना जाने कितने और लोग इसी कगार पे थे कि अगर उनको कुछ दिन और खाना ना मिला तो उनके प्राण निकल जाएंगे। अब अगर हम लोग ब्रू की बात करें तो जो ट्राइब है इसको रियांग भी कहते हैं, मैंने आपको बताया। जनरली ये नॉर्थ ईस्ट में ही पाई जाएगी, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाने वाली ट्राइब है ये। कौन कौन से राज्यों में बेसिकली आपको देखने को मिलेगी, तो वो है त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में ये पूरा मुद्दा चल रहा है। ये कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये रियांग डायलेक्ट में कोकबोरोक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बेसिकली लोकली काउ ब्रू भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लैंग्वेज से संबंधित जो है ये एक टर्म आया है आपके सामने, तो हो सकता है इस टर्म पे क्वेश्चन बन जाए। उसके अलावा इनका जो फोक डांस है, जो इनका लोक नृत्य है, वो है होजागिरी, ये भी आप ध्यान रखें। और रियांग का सबसे ज़्यादा फेमस फेस्टिवल कौन सा है, तो वो है बुइसू, ये चीज़ आप ध्यान रखें। बीहू नहीं है बुइसू, बुइसू एक अलग है, बीहू अलग है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इनकी लैंग्वेज कौन सी है, वो है कोकबोरोक। कौन सा डायलेक्ट है, वो है रियांग डायलेक्ट। रियांग इनकी ट्राइब का नाम भी है। उसके अलावा अगर मैं डांस की बात करूँ, कौन सा डांस है, तो वो है होजागिरी। और साथ में कौन सा फेस्टिवल सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो है बुइसू। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो ये पूरी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरीके से ये सारा विवाद शुरू हुआ मिजोरम में, जिसके तहत जो ब्रूज हैं उनको वहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया गया और फिर वो आके त्रिपुरा में सेटल हुए। फिर उसके बाद सरकार ने कोशिश की वापस रिपैट्रिएशन करने की। ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो रहा था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिजोरम की सरकार और त्रिपुरा की सरकार साथ मिलकर ये एग्रीमेंट करना चाह रहे थे, पर ओवरऑल वहाँ पे जो भी लोग रहने वाले थे उन्होंने मना कर दिया ये एग्रीमेंट होने से, जिसकी वजह से आज भी वो लोग त्रिपुरा के रिलीफ कैंप्स में रहते हैं। अगर अभी भी बात करूँ मैं तो करीब 32,000 त्रिपुरा के शरणार्थी हैं जो कि शिविरों में रह रहे हैं त्रिपुरा में। अब जो राशन पानी, जो भी रिलीफ मटीरियल उनको दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें क्या क्या है, तो देखिए अगर कोई एडल्ट यानी कि वयस्क ब्रू व्यक्ति है तो उसको 5 रुपये और साथ में 600 ग्राम चावल दिया जाएगा हर दिन। और अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको 2.5 रुपये और 300 ग्राम चावल दिया जाएगा हर दिन। इसके अलावा जो एडिशनल आइटम्स हैं जो उनकी डेली नीड्स में उनको ज़रूरत होती है वो तो दिए ही जाएंगे, ये तो उसके ऊपर एक बोनस के काइंड ऑफ है। लेकिन देखा क्या क्या है, ज़्यादातर जो ब्रू रिफ्यूजीज होते हैं वो जो भी उनको मिलता है इसको बेच देते हैं, और मटेरियल को बेचने के बाद जो उनको पैसा मिलता है उस पैसे के आधार पर ये लोग दवाइयाँ खरीदते हैं। समस्या ये है क्योंकि ये रिफ्यूजीज हैं, शरणार्थी हैं, इसी वजह से इनके पास कोई भी परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, जिसके चलते वो आधार कार्ड के उसमें एम्बिट में नहीं आते, साथ साथ वोटर आईडी भी उनका नहीं है, राशन कार्ड भी उनका नहीं है। तो मोस्टली जो सरकार द्वारा दी गई स्कीम्स हैं उसके एम्बिट से, उसके घेरे से, उसके क्षेत्र से ये लोग बाहर रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ उन तक नहीं पहुँच पाती, जैसे कि घर, जैसे कि बिजली, शुद्ध पानी, अस्पताल या फिर बच्चों के लिए शिक्षा। तो ये सभी तब पहुंच पाएंगे जब आप रजिस्टर्ड होंगे, जब आपका वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड होगा, जब आपके पास सही ढंग से पैसा आएगा। पर इन दोनों की कमी की वजह से ये सारी बेसिक सुविधाएं ब्रू को नहीं मिल पाती। सरकार लगातार काम कर रही है कुछ नए एग्रीमेंट पे ब्रू के साथ, और जो नया एग्रीमेंट है उसके तहत काफ़ी सारे प्रावधान ऐड किए हैं, प्रोविजन ऐड किए हैं। जैसे कि जो 2018 का एग्रीमेंट था उसमें बताया गया था कि जो भी ब्रू हैं उनको मिजोरम वापस लौटना पड़ेगा, पर जो नया 2020 के हिसाब से एग्रीमेंट आया है उसके तहत ये बोला गया है कि अगर ब्रू मिजोरम नहीं लौटना चाहे तो वो त्रिपुरा में भी सेटल किए जा सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेजियस पॉइंट है, क्योंकि जो सारा मुद्दा अटका था वो 2018 वाले एग्रीमेंट का अटका था यहाँ पे, कि लोग कह रहे थे अगर हम लोग मिजोरम में जाके बस भी गए तो क्या सिक्योरिटी, क्या सेफ्टी हमको दी जाएगी, क्या गारंटी है कि हमको वापस हिंसा का
प्रहार फिर से नहीं सहना पड़ेगा। तो ये जो मुद्दा था ये तो था सारा का सारा मिजोरम में सेटल होने के ऊपर। नए एग्रीमेंट के अनुसार आप त्रिपुरा में भी सेटल हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि सेंटर की तरफ से उनको 6000 करोड़ का एक पैकेज दिया जाएगा, जिसके अंदर हर एक ब्रू परिवार के लिए करीब 2500 स्क्वायर फिट का एक प्लॉट होगा। उसके साथ कृषि योग्य उसको ज़मीन दी जाएगी, यानी कि उसको एग्रीकल्चरल लैंड दिया जाएगा। उसके अलावा उसको एक स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कि रेंज करेगा करीब 5000 पर मंथ के आसपास। और आने वाले 2 वर्षों तक उनको फ्री राशन दिया जाएगा हर एक फैमिली को, और साथ साथ जो ब्रू ट्राइबल्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा त्रिपुरा की वोटिंग लिस्ट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो नए वाले एग्रीमेंट का हिस्सा बने हैं। देखते हैं इस एग्रीमेंट पे आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं, उस अनुसार हम इसको अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेसिक चीज़ें आप याद रखें, और इसके अलावा ब्रू से संबंधित सारे फैक्ट्स याद रखें। क्या उनकी लैंग्वेज है, क्या उनका लोक नृत्य है, क्या फेस्टिवल वो मनाते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं और उनको क्या और कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये एक म्यूज़िक के बारे में है। यहाँ पे ध्रुपद की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ध्रुपद क्या है? ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का एक जॉनर है, यानी भारत की समृद्ध गायन शैली है। एक जो म्यूज़िक है बेसिकली वो भारत में 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो ऊपर के हिस्से का म्यूज़िक है यानी कि नदर्न इंडिया का म्यूज़िक है, उसको हम लोग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक कहते हैं, और जो सदर्न स्टेट्स का या फिर दक्षिणी हिस्सों का म्यूज़िक है उसको हम कार्नेटिक म्यूज़िक कहते हैं। तो ध्रुपद क्योंकि भारत के उत्तरी भाग में गाया जाता है, इस वजह से इसको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का एक छोटा सा हिस्सा बताया गया है, या फिर उसका जॉनर बताया गया है। ये जो इसका नाम है ये एक संस्कृत वर्ड से आया है, जिसमें 2 चीज़ों को मिला के ये शब्द बनाया गया है। एक है ध्रुव और दूसरा है पद, यानी कि अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा पिलर या फिर स्तंभ। यानी कि क्या सिग्निफाई करता है? जो चीज़ निश्चित हो, अटल हो, या फिर जो चीज़ नियमों से बंधी हुई हो। अगर मैं बात करूँ तो ये अत्यधिक प्राचीन शैली है। ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, उन लोगों का ये मत है कि 15वीं शताब्दी के आसपास ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, किसने रचना की है? तो एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की थी। हालांकि इसका आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस, इसका उल्लेख आपको नाट्य शास्त्र में भी मिलेगा, जिसको हम लोग ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो नाट्य शास्त्र है वो एक रचना है किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिएगा, ब्रह्मवेद वाला अभी आप याद मत रखिएगा, एक बार मैं कंफर्म करके फिर आपको इस चीज़ के बारे में सूचित कर दूंगा। हालांकि ये चीज़ श्योर है कि नाट्य शास्त्र लिखा किसने है? भरत मुनि ने लिखा है। उसके अलावा हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं ध्रुपद की, तो ये कैसा टाइप का म्यूज़िक है? ये स्पिरिचुअल म्यूज़िक है, ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है, ये भगवान की भक्ति के लिए गाया जाने वाला एक संगीत की शैली है। भगवत पुराण तक में इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये वर्शिप को जागृत करता है, यानी भगवान में आपकी धारणा है उसको जागृत करता है। ये रिलीजियस काइंड ऑफ कैरेक्टर लिए हुए, इसी वजह से कहाँ पे गाया जाएगा ये? देखिए शुरुआत में तो ये केवल मंदिरों में गाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके आजकल ये मंदिरों से बाहर निकला है और इसके लिए अलग अलग परफॉर्मेंसेज भी होती हैं ये, लेकिन अल्टीमेटली अब एक सोफेस्टिकेटेड क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक के तौर पर इमर्ज होकर हमारे सामने आया है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। शुरुआत में ये जो संगीत की शैली है ये सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में ही गाई जाती थी। यहाँ पे फोकस किया जाता है कि भाई राग जो है उसकी शुद्धता को मेंटेन रखा जाए, उसकी शुद्धता को बनाया रखा जाए, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए जो ध्रुपद है ये काफ़ी कठिन भी होता है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति इसको नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसको नहीं गा सकता। इसमें राग की शुद्धता पर पूरा फोकस किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें हम लोग गमोसा के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? बेसिकली एक रेक्टेंगुलर क्लॉथ है जिसमें लाल और सफ़ेद रंग की डिज़ाइन बनी होती है, और ये बेसिकली कौन से कल्चर को रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये आसाम के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, ये है ये गमोसा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रेड एंड वाइट 2 कलर का इस्तेमाल किया गया है, और कहाँ के कल्चर को रिलेट करता है ये? तो आसाम के कल्चर से संबंधित है ये। इसको अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इसको जो भी आता है विजिटर, हमारे घर मेहमान आता है, उसको गिफ्ट दिया जाता है। कई बार इसको स्कार्फ की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कई बार इसको एंटी डस्क मास्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कई बार इसको पगड़ी की तरह सर पे लपेट के पहना जाता है। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसी आइकन के ज़रिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कछुए के संरक्षण की तरफ सभी विश्व का ध्यान बटा सके।
तो यहाँ जो सारा जोर दिया गया है वो दिया गया है टर्टल के कंजर्वेशन के ऊपर। और अभी जो गमोसा या फिर गमछा, जिस तरीके से भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, जो ये पहना जा रहा है, तो उसके ऊपर कछुए की या फिर टर्टल की इमेज ऑलरेडी अंकित है। तो ये जो पूरा एफर्ट है, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, ये एक तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, फिर उसके बाद टर्टल सर्वाइवल अलायंस, और इसको फंड किया जा रहा है डिज्नी की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड द्वारा। यानी कि दो लोग तो इसको मिलकर चला रहे हैं और जो तीसरा है डिज्नी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड, ये इसको रुपए दे रहा है, यानी इसका वित्त पोषण ये कर रहा है। जो भी लोग इसको खरीदेंगे, मान लीजिए अगर 10 रुपये का गमछा आ रहा है या गमोसा आ रहा है, आपने इसको खरीदा, तो 10 रुपये में से कुछ परसेंटेज जाएगा कछुए के संरक्षण की तरफ। और उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं कुछ ऐसी प्रजातियों पर जो कि बहुत कम देखने को मिलती हैं, जिनका ऑलरेडी दर्शन बहुत दुर्लभ है, जैसे कि आसाम रूफ्ड टर्टल, जो कि एक रेयर टर्टल स्पीसी है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आसाम का गमोसा जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके अलावा एक चावल की प्रजाति जो कि सेमी ग्लूटिनस थी और वो विंटर में उगाई जाती थी, इन दोनों को अभी GI टैग मिला है, यानी कि भौगोलिक संकेत की मान्यता प्राप्त हुई है। और कब हुई है? 2019 में हुई है। पहला इस राज्य का यानी कि आसाम का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जिसको GI टैग मिला था? तो वो है मूगा सिल्क, जिसको 2007 वर्ष में GI टैग मिला था। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये है रोमानिया में एक हुआ रेफरेंडम मैरिजेस पे। 2018 में ये रेफरेंडम हुआ था। इसमें जो फोकस किया गया वो फोकस था समलैंगिक विवाह पे। हो क्या रहा है, बेसिकली रोमानिया में जो लोग भी ऐसे सेम सेक्स मैरिज करना चाह रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रोमानिया में क्या किया गया, यहाँ पे संविधान में परिवार की परिभाषा को संशोधित किया गया और उसकी व्याख्या वापस से की गई। इस रेफरेंडम के जरिए ये चीज़ स्थापित करने की कोशिश की गई कि अगर एक शादी की बात करें तो शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच ही हो सकता है, यानी इसके थ्रू ये लोग सेम सेक्स मैरिजेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो उसकी संविधान में लिखा है वो जेंडरल न्यूट्रल है स्पाउसेस के बारे में, यानी कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके बारे में जेंडर न्यूट्रल एक अप्रोच रखी गई है। यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो कि पुरुष है, तो उसका जो लाइफ पार्टनर है या फिर जीवन साथी है वो दूसरा पुरुष हो सकता है, यानी जेंडर न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि अगर ये मैन है तो ये वुमेन होना ज़रूरी है। तो इस रेफरेंडम के ज़रिए हम लोग ये वाली चीज़ स्थापित करना चाह रहे हैं कि अगर एक पुरुष है तो दूसरे का महिला होना अनिवार्य है, यानी एक पुरुष दूसरे पुरुष से विवाह नहीं कर सकता, एक महिला दूसरी महिला से विवाह नहीं कर सकती। बेसिकली अगर हम लोग रोमानिया की बात करें तो रोमानिया जो है वो रूढ़िवादी विचारधारा रखता है, और उसने 2001 में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था। यानी उससे पहले जो सेम सेक्स मैरिजेस थी ये सब क्रिमिनलाइज थी, यानी रोमानिया के कानून के तहत पहले से ही जो समलैंगिक विवाह है उन पर प्रतिबंध था। 2001 में बेसिकली ऐसी कोशिश की गई थी कि होमोसेक्सुअलिटी को रोका जा सके, इस तरीके की चीज़ें यानी समलैंगिक संबंध पर रोक लगाई जा सके, लेकिन संविधान ने अल्टीमेटली अपने स्टेटस को बरकरार रखा और उसमें जेंडर न्यूट्रल फैमिली की तरफ फोकस किया गया। तो उस स्टेटमेंट के तहत एक परिवार पति या पत्नी के स्वतंत्र रूप से विवाह पर स्थापित है, ऐसा उस संविधान में लिखा गया था। तो जिसकी वजह से जो होमोसेक्सुअलिटी थी उसको यहाँ पे सपोर्ट दिया गया था, लेकिन अब ये रेफरेंडम के जरिए उसको वापस हटाना चाह रहे हैं, उसको बैन करना चाह रहे हैं, और संविधान में एक फैमिली या फिर परिवार की परिभाषा को ये चीज़ संशोधित करना चाह रही है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये है सुरंग बावड़ी के बारे में। तो ये बेसिकली एक इंटीग्रल पार्ट है पानी सप्लाई करने का। पुराना सिस्टम था एंशिएंट करेज सिस्टम, उसी करेज सिस्टम का ये इंटीग्रल पार्ट है। उसमें हो क्या रहा है, एक जगह से हमको पानी दूसरी जगह पे सप्लाई करना है, तो ये सब के सब टनल्स के थ्रू किया गया था। और ये कहाँ पे, कर्नाटक के विजयपुरा में बनाई गई थी आदिल शाही एरा में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, न्यूज़ में इसीलिए क्योंकि अब इसको पैसे मिलने वाले हैं इसके रिस्टोरेशन के लिए। अब यहाँ पे कुछ एक टर्म्स है जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो करेज सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है। तो दोस्तों ये जो करेज सिस्टम है, हिंदी में आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ पाएंगे, ये प्राचीन करेज सिस्टम का एक हिस्सा है। तो क्या होता है, इसमें जो भी नीचे पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको हम लोग टनल्स के जरिए हार्नेस करके सरफेस के ऊपर लेके आते हैं।
तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को ही कहा जाता है कार्य सिस्टम, जिससे होता क्या है, जो पानी की ऊपर कमी फेस की जा रही है तो वो फेस नहीं की जाती और पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टनल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये सारा जो फोकस है ये है कि पानी हम लोग ऊपर की तरफ उपलब्ध कराए और सुरंगों के माध्यम से पानी की आपूर्ति कराई जा सके। ये जो बावड़ी है इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे हुआ है? बीजापुर में हुआ है ये, और आदिलशाही वंश के आदिल शाह राजा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई सारे इतिहासकारों ने ये कहा है कि आदिलशाही जो सबके सब मतलब थे, पूरी डायनेस्टी थी, उन लोगों ने अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया था जिससे कि पानी सप्लाई किया जा सके शहरों तक, जिससे जो भी शहरों में रहने वाले निवासी हैं उनके पास कभी भी पानी की कमी ना हो। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं यही फिगर है सुरंग बावड़ी का। इसमें क्या किया जाता था, जो अंडरग्राउंड वाटर है यानी जमीन के नीचे जो पानी है उसको टनल्स के माध्यम से या सुरंग के माध्यम से इस तरीके से ऊपर लाया जाता था और यहाँ पर स्टोर किया जाता था। अब क्या है, इसकी हालत आप देख रहे हैं कैसी इसकी दुर्दशा हो गई है, तो इसी वजह से इसको रिस्टोर करने के लिए इसमें सरकार रुपए लगा रही है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का यांत्रिक पंप या फिर लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आप सोचेंगे भाई पानी जो है वो सतह के नीचे है, वहाँ से पानी हम ऊपर लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से लिफ्ट पंप का इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन यही इसमें खास बात है, यहाँ पे लिफ्ट पंप का इस्तेमाल नहीं होता, किसी भी तरीके का यांत्रिक पंप इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टनल्स के जरिए यहाँ पे ऊपर पानी लाया जाता है। और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ये जो पूरी टेक्निक थी बेसिकली ये पर्शिया और ईरान के आसपास कहीं उत्पन्न हुई थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और मीडिएवल टाइम में इसका बहुत ज़ोरों शोरों से इस्तेमाल किया गया पानी की कमी को पूरा करने के लिए, और अंडरग्राउंड जो वाटर होता है यहाँ पर उसका भी यूटिलाइजेशन किया गया। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अब हम पढ़ने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस यानी पूरे राष्ट्र को एक करने वाला एक दिवस। तो अब हम अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद ये जो जिम्मेदारी थी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर थी कि आपको पूरे देश में यूनिटी स्थापित करनी है, जो जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ से बात करके उनको भारत का एक अभिन्न अंग बनाना है। तो इसीलिए उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं और ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान ले। जन्म उनका हुआ 31 अक्टूबर 1875 में। वो भारत के पहले डेप्यूटी प्रधानमंत्री थे, ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि उप प्रधानमंत्री थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। उन्होंने अलग अलग मूवमेंट में पार्ट लिया, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे उन्होंने पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठा किया, और उन्होंने जो उन्होंने बेसिकली अपना इन्फ्लुएंस फैलाया है वो है खेड़ा के आसपास, बोरसाड के आसपास और बारदोली के आसपास, जो कि सब गुजरात में है, यानी गुजरात में उनका बहुत अच्छे से वर्चस्व स्थापित था। उसके अलावा अगर हम बोलें फाउंडिंग फादर कौन है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, तो वो भी दर्जा सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया गया है, यानी भारत गणराज्य के संस्थापक हैं वो। और इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो प्रेसिडेंट के तौर पे भी सर्व किए हैं। उन्होंने 49th प्रेसिडेंट पोस्ट पे नियुक्ति स्वीकार की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो आप ध्यान रखें 49th प्रेसिडेंट बने थे वो। उसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट का उन्होंने अच्छे से प्रचार किया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया है। जब भारत का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो रहा था, यानी कि राजनीतिक एकीकरण हो रहा था, और 1947 के इंडो पाकिस्तान युद्ध के समय भी उन्होंने होम मिनिस्टर के तौर पर एक्ट किया है। उनको पेट्रन सेंट कहा जाता है इंडियन सिविल सर्विसेज का, यानी भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में उनको याद किया जाता है। उनको भारत का यूनिफायर भी कहा जाता है, हमने आपको बताया प्रिंसली स्टेट को एकजुट करने में, भारत को एक यूनाइटेड कंट्री बनाने में उनका बहुत अहम योगदान है। और इसी सब के चलते अभी फिलहाल में ही एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है सरकार द्वारा, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा स्टैचू है, और ये उनको डेडिकेट किया गया है 31 अक्टूबर 2018 में, फिर से उनके जन्मदिवस के ही दिन। इसकी जो हाइट है वो करीब 182 मीटर्स है, यानी कि फीट में बात करें तो करीब करीब 600 फीट है, और ये गुजरात में स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप ध्यान रखें। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पर हम लोग पाइका मेमोरियल के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुई पाइका विद्रोह के अब 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में ओडिशा में एक स्मारक की आधारशिला रखी है। तो इसी वजह से ये अभी न्यूज़ में है। जो पाइका विद्रोह हुआ या फिर पाइका में रिवोल्ट हुआ, ये 1817 में हुआ था, जिस वजह से 2017 में इसको 200 वर्ष पूरे हो गए थे। अगर बात करें तो ये स्मारक कहाँ पे बनी हुई है, ये बारूनी पहाड़ी जो कि खुर्दा जिले में है वहाँ पे निर्मित की जाएगी। ये स्मारक क्या करेगी, वहाँ पे जो भी लोग हैं यानी कि जो भी ओडिशावासी हैं उन सब के शौर्य का प्रतीक होगी ये, और आने वाले भविष्य में युवा पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। जो 1817 का पाइका रिबेलियन है, इसको कई बार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब इस पूरे रिवोल्ट में पाइका का क्या मतलब है, पाइका का मतलब है जो लोग पैदल युद्ध करते हैं यानी कि पैदल सैनिक को पाइका कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के आसपास से जो उड़ीसा के राजा हैं वो इस तरीके के पाइकाज को रिक्रूट कर रहे थे और ये अपनी सर्विसेज प्रदान कर रहे थे उड़ीसा के राजा को। उसके बदले में जो राजा हैं वो इनको रेंट फ्री एक तो लैंड दे रहे थे और इनको टाइटल्स दे रहे थे, यानी इनको ज़मीनें दी जाती थी जिसके लिए इनको रेंट नहीं भरना पड़ता था, और साथ साथ इनको अलग अलग टाइटल्स भी मिल रहे थे। तो इस तरीके से ये राजा को सर्व कर रहे थे उड़ीसा के। फिर उसके बाद ब्रिटिश सिपाहियों का आगमन हुआ और उन्होंने एक नया ही लैंड रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे लगा दिया, यानी ब्रिटिश के द्वारा ये माना जाता था कि जो भी ज़मीन है वो सब अब ब्रिटिश के अंडर है, तो उस पर जो भी व्यक्ति रहते हैं, जो लोग उस पर जुताई करते हैं, जो लोग उस पर काम करते हैं, उन सबको ब्रिटिशर्स को कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते थे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत। तो इसी सब के चलते जो पाइकास थे जिनको राजा द्वारा रेंट फ्री लैंड दिया गया था, उन्होंने अपना लैंड खो दिया, ज़्यादातर बंगाली लैंडलॉर्ड्स की उपस्थिति की वजह से। और साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सारा करेंसी यानी कि मुद्रा का सिस्टम ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि हमको तो जो लैंड रेवेन्यू चाहिए वो रुपए में चाहिए, जिसकी वजह से जो भी ये ट्राइबल कम्युनिटी ज़मीनों पर रहती थी उनके ऊपर और ज़्यादा दबाव पड़ने लगा कि भाई रुपया कहाँ से लाएं अब। फिर आने वाले समय में 1803-4 के आसपास क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने नमक पे भी कंट्रोल अपना जमा लिया, यानी सॉल्ट पे भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और धीरे धीरे करके जब ये कंट्रोल बढ़ा तो ये ओडिशा के कोस्टल इलाकों तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले पाइकाज और बाकी जो कम्युनिटी हैं उनके ऊपर और ज़्यादा दबाव पड़ने लगा। बहुत समय जब हो गया और पाइका से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो लोग रिवोल्ट में खड़े हुए। देखिए मैंने आपको बताया 1803-4 के आसपास यहाँ पे ब्रिटिश के अंडर सॉल्ट के लॉज भी आ गए थे, धीरे धीरे एक्सटेंड करते करते कोस्टल ओडिशा से यानी ओडिशा के तटीय इलाके पे भी पहुँच गया करीब 1814 में। तो उसके कुछ साल बाद यानी कि 2 से 3 साल बाद 1817 में पाइकाज ने एक झुंड बनाया और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर दिया, और इनके जो लीडर थे उनका नाम था बख्शी जगबंधु विद्याधर मोहपात्रा भरमारभर राय। तो आप बस याद रखें बख्शी जगबंधु विद्याधर इनमें लीडर के तौर पे इमर्ज हुए, और ये जो ओडिशा के राजा थे जिनका नाम था मुकुंद देव टू, उनकी मिलिट्री में हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर थे, जनरल थे। तो ये लोग ने ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पे एक युद्ध छेड़ दिया। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा, बहुत खून बहा, बहुत लाशें बिछीं, और धीरे धीरे करके क्योंकि ब्रिटिश के पास ज़्यादा आधुनिक हथियार थे तो ब्रिटिश ने पाइकास को सप्रेस कर दिया। हालांकि जो लीडर थे उनके बख्शी जगबंधु वो जंगल की तरफ भाग निकले और ब्रिटिश की पहुंच से बाहर हो गए। करीब 1825 तक वो जंगल में ही रहे और ब्रिटिश की पकड़ में नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया और कुछ नेगोशिएटेड टर्म्स के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनको कुछ दिन कैद में रखा गया और कैद में रहते रहते 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। पाइका रिबेलियन, पाइका की पूरी कहानी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये प्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम एक फेस्टिवल या फिर एक महोत्सव को डिस्कस कर रहे हैं। फेस्टिवल का नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कहाँ पे होता है, तो ये नागालैंड में होता है। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी इसका 20वां संस्करण शुरू हुआ है, तो ये यानी कि 20वां एडिशन था। ये जो फेस्टिवल है ये करीब 10 दिन का फेस्टिवल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। 10 दिन यानी कि कब, दिसंबर में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये फेस्टिवल चलता है। हर साल इसको कंडक्ट किया जाता है। पहला फेस्टिवल वर्ष 2000 में हुआ था। ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है नागालैंड की सरकार द्वारा और इसको एक एनुअल टूरिज्म इवेंट के तौर पर भी पेश किया जाता है, यानी कि इस
फेस्टिवल के जरिए नागालैंड की जो सरकार है वो कोशिश करती है उसका जो टूरिज्म है, जो उसका पर्यटन है, उसको एक बूस्ट मिल सके और लोग यहाँ पे आ सकें और नागालैंड के कल्चर से घुल मिल सकें, उसको समझ सकें और वहाँ के ट्रेडिशंस को देख के उनका मज़ा ले सकें। बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अलग अलग जो ट्राइबल्स हैं उनके अंदर इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन बढ़ा सकें और उसके अलावा नागालैंड का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको पूरे भारत के लेवल पे प्रमोट किया जा सके। इसका एक बहुत प्रमुख आकर्षण होता है इसी में एक प्रदर्शित होने वाला हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल, जहाँ पे क्या होता है वहाँ के स्थानीय लोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अलग अलग रॉक बैंड यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। तो यानी कि इसकी जो रीच है ये ना सिर्फ लोकल, ना सिर्फ नेशनल, पर इंटरनेशनल लेवल्स तक है। तो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ बातें याद रखनी है, कब शुरू हुआ, कब कब होता है, उसके अलावा वार्षिक होता है यानी कि एनुअली होता है, 10 दिन का होता है, कौन से दिन होता है, कहाँ पे होता है और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखें।